बड़ी बेसब्री से इंतजार था भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का, और आज 28 तारीख को 7:30 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा। अब देखना होगा दोनों देशों के बीच जो भिड़ंत होगी इसमें बाजी कौन मारता है। हालांकि भारत बदला लेना जरूर चाहेगा, जो वर्ल्ड कप में भारत की हार हुई थी 10 विकेट से, और कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मलाल होगा जिसको वो दूर करना चाहेंगे, और ये बेहतरीन मौका भी है। शाहीन अफरीदी टीम में नहीं है, हालांकि भारत की तरफ से बुमराह और हसन पटेल भी नहीं है। बुमराह खासकर बड़े खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय टीम में वो स्थापित हो चुके हैं, तो कमी जरूर खलेगी दोनों टीमों को अपने अपने खिलाड़ियों को, शाहीन अफरीदी की भी और जसप्रीत बुमराह की भी। मैच की बात करते हैं तो मैच 7:30 बजे शुरू होगा। पहली बार भारत और पाकिस्तान 2022 के एशिया कप में भिड़ रहे हैं दूसरे मैच में। कल के मैच में श्रीलंका को हरा दिया अफगानिस्तान ने, बहुत बड़ा उलटफेर है, उलटफेर भी नहीं कह सकते, काफी श्रीलंकाई टीम काफी कमजोर भी है और शुरुआत भी उसकी अच्छी नहीं रही। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच की बात करें तो आइए देखते हैं भारत की प्लेइंग 11 संभावित क्या हो सकती है। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल, विराट कोहली, पंत, यादव, पांड्या, और उसके बाद जडेजा, भुवनेश्वर चहल, अर्शदीप सिंह और आवेश खान, जो भारतीय टीम के 3 तेज गेंदबाज हैं, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार। तो भुवनेश्वर कुमार भारतीय टीम को लीड करेंगे और भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि भुवनेश्वर कुमार जल्द से जल्द पाकिस्तान के विकेट ले पावर प्ले में ही, और कहीं ना कहीं दारोमदार और भी खिलाड़ियों पर होगा, खासकर अर्शदीप और आवेश खान को अपने आप को यहां पे दिखाना होगा हाईली प्रेशर मैच में कि किस तरीके से हुए। हालांकि आईपीएल में ऐसा मैच खेल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होता है वो काफी ज्यादा प्रेशर वाला होता है। सारे मैच के अपडेट आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मैच से पहले जैसे ही टॉस होगा लाइव आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।